बलिया जनपद के रेस्टा नगर में कल्पनाथ संकल्प रथ यात्रा ने जनता को जागरूक कर घोसी लोकसभा के विकास पर जनमत संग्रह कराया। रथ यात्रा का नेतृत्व कर रहे घोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक बद्रीनाथ ने बताया कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय के बाद 24 वर्ष में कोई सांसद एक भी कार्य करा नहीं सका है। क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद होना चाहिए, अगर ऐसा प्रत्याशी नहीं होगा तो घोसी नवनिर्माण मंच घोसी लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगा। इसके लिए इस रथ यात्रा के द्वारा मंच जनता के बीच जाकर जनता को जागरूक कर विचार ले रहा है। घोसी लोकसभा को जातिवादी एवं परिवारवादी पार्टियों ने विकास की जगह विनाश के कागार पर लाकर खड़ा कर दिया है। स्वर्गीय कल्पनाथ राय के लिए किए गए विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं। क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद ही घोसी का विकास से कार्य करा सकता है। मंच घोसी लोकसभा ने विगत कई वर्षों से क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर संघर्ष एवं आंदोलन कर रहा है, जिससे जनता का समर्थन भी मिल रहा है। एक बार बता दें, मैं शैलेंद्र सिंह चंद्रन, घोसी नवनिर्माण मंच। आज आप लोगों का मंच रथ के साथ रसड़ा में पधारा है, क्या मुद्दा है आपके मंच का और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घोसी लोकसभा कल्पनाथ राय के बाद हम लोग कल्पनाथ राय के आदर्शों को सजो करके और उनका मिट्टी का एक कलश लेकर के, उनकी मिट्टी का संबंध लेकर के और संकल्प यात्रा हमने शुरू किया है कि घोसी को 24 साल की बदहाली से दूर करना है और घोसी में क्षेत्रीय नेतृत्व पैदा करना है। कोई भी पार्टियां अगर जो टिकट देती है तो घोसी लोकसभा के किसी भी जाति को, जिस जाति को चाहती है उसको टिकट दे, यही हमारा मांग है। और घोसी का विकास, अगर पार्टियां टिकट नहीं देती है इस क्षेत्र के लोगों को तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अगर जो टिकट नहीं देती है हम लोग मांग करेंगे, हमारा अधिकार है। और चूंकि हमारा विकास एकदम बाधित हो गया है कल्पनाथ राय के बाद, और हम लोग अवैध यानी अपनी पहचान एक तरह से घोसी लोकसभा खो चुका है। कल्पनाथ राय थे तो पूरा देश जानता था कि घोसी लोकसभा है, लेकिन आज ऐसे लोकसभा के प्रत्याशी हुए वो या तो निरंकुश रहे, या तो गलत कार्यों में लिप्त रहे, या तो जेल में रहे। तो ऐसे प्रत्याशी से हमारे लोकसभा का विकास नहीं हो सकता। और घोसी लोकसभा पूरे प्रदेश के नेतृत्व में नेतृत्व विहीन हो गई है। एक तरफ देखा जाए तो राजनीतिक पटल के इसको नेतृत्व विहीन कहा गया है, जबकि क्रांतिकारी धरती रही है, मतलब की धरती चाहे घोसी लोकसभा की धरती, आज अपनी पहचान खोती जा रही है। इस पहचान को और अपने स्वाभिमान और सम्मान को बचाने के लिए और विकास करने के लिए हम अपने क्षेत्रीय लोगों को मांग कर रहे हैं कि हमारे चाहे विधानसभा से हो चाहे लोकसभा से हो, क्षेत्रीय सांसद हो, क्षेत्रीय विधायक हो, और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ हमारी जो समस्या है उसको हल करें। नहीं तो घोसी नवनिर्माण मंच जो जनता का मंच है, जिसके संस्थापक बद्रीनाथ जी हैं, ये कल्पनाथ राय के बाद इनके अंदर जो जज्बा है, इनके जज्बा को मैं सलाम करता हूँ और इनके साथ पूरी जनता अपनी आवाज में आवाज मिलाकर के चलने का काम कर रही है और आने वाले दिनों में इसका परिणाम मिलेगा और बहुत विरोध किया जाएगा अगर जो हमारे प्रत्याशी आकर के हमारे लोकसभा से चुनाव लड़ने का काम करता है तो। पर्चे बताएं। मैं ग्राम प्रधान सुहा जो मधुबन दुवारी के पास पड़ता है वहाँ का प्रधान हूँ। आज हम रसड़ा में रथ यात्रा लेके निकले हैं, क्या विषय है और क्या एजेंडा है आपके रथ का? देखिए, घोसी नवनिर्माण मंच बद्रीनाथ जी ने बनाया और हमसे मिले, उनके विचारों से सहमत होकर के मैं इनके साथ बद्रीनाथ सिंह जी के साथ जुड़ा और बद्रीनाथ जी के जो विचार है वो अपनी लोकसभा जो घोसी लोकसभा जो बाहरी लोग यहाँ आकर के टिकट लेकर चुनाव लड़ते हैं और कल्पनाथ राय जी के पास से विकास बंद हो गया है, उसका ये आंदोलन इन्होंने जनता के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग सभी लोग इनके विचारों से जुड़ करके और इनके साथ चल रहे हैं लगातार। रसड़ा से लेकर के घोसी मधुबन करा सारी जगह हम लोग गांव गांव जाते हैं और अपने विचारों को रखते हैं। आपकी मांगे ये है कि अपने लोकसभा क्षेत्र का ही कोई सांसद बने? जी, हम लोग चारों पार्टियों से ये कहना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का अगर सांसद रहेगा तो हमारे यहाँ की जो गरीब जनता है वो उनसे जा करके अपनी बात को कह सकती है। आजमगढ़ और गाजीपुर जाने में सारा दिन लग जाएगा, विधायक की सांसद जी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, हम लोग को फिर वापसी होनी पड़ती है। तो गरीब आदमी जाए कहाँ, अपनी शिकायत को कहने किससे जाए? अगर हमारा लोकल प्रत्याशी होगा, हमारे क्षेत्र का सांसद होगा तो अपनी बात
हर जनता का आखिरी जा कह सकता हूँ। अब कब ये रथ निकला और कब इसका समापन है? देखिए, हम लोग ये संगठन एक साल से चला रहे हैं और ये चलता रहेगा, ये कभी रुकने वाला रथ नहीं है। हम लोग हमेशा चलते रहेंगे, जनता के बीच में जाते रहेंगे और अपनी बात को रखते रहेंगे। जनता को जगाने का एक काम बदला ने जो किया है, जवाहरलाल नेहरू से पढ़े हुए हैं, ये क्या शिक्षित आदमी है और उन्होंने जो विचार रखे हैं वो उस विचारों से प्रभावित होकर सारे लोग जुड़ रहे हैं। हर गांव हर शहर में आपका रथ जा रहा है, आप लोग भी जा रहे हैं, क्या जनता का क्या समर्थन मिल रहा है? जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जनता कह रही है कि आप लोग जो मुद्दे उठाए बिल्कुल जेन्युइन मुद्दे हैं और ये होना चाहिए। और हमारे क्षेत्र का, हमारे जिले का विदेश सांसद होगा तो अपनी बात तो कह सकते हैं। जब हमारे क्षेत्र का रहेगा नहीं तो समस्या मालूम कैसे होगी? ये बवरिया से आकर के लड़ेगा या गोरखपुर से आकर लड़ेगा तो हमारे बीच की समस्या को जानता ही नहीं है। वो कहेगा करेगा क्या? वो तो जीतने के बाद चला जाएगा, फिर सिद्धार्थनगर चला जाएगा, फिर लखनऊ चला जाएगा, वहां टिकट लेगा दोबारा और फिर वहां जीतेगा। ये तो रूटीन बन गया है पार्टियों का। तो हम लोग सारी पार्टियों का इसीलिए पुरविरोध कर रहे हैं कि आप लोग हमारे जिले के लोगों को टिकट दीजिए। हमारे जिले के लोगों को टिकट देंगे तो हमारे जिले का विकास होगा और अपनी बात को जनता अपनी बात को वहां तक कह सकती है सांसद जी से कि सांसद जी हमारी ये समस्या है और इस काम को करिए आप, और नहीं तो उसका विरोध करेंगे हम लोग। घोषणा पत्र से वो कि हम ये काम करेंगे। कोई सारी पार्टियों से हम लोग का ये निवेदन है कि आप लोग हमारे क्षेत्र के सांसद दीजिए, बाहरी लोग हमें नहीं पसंद है, ना मंजूर करते हम लोग। पर्चे बता दें सर। मेरा नाम बद्रीनाथ है, मैं संस्थापक घोषी नवनिर्माण मंच और हम लोग पूरे लोकसभा में मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि एक बार बटन दबाने के बाद 5 साल पछतावा न करना पड़े, क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद मिले। बाहरी और निलंकुश तत्वों ने हमारे लोकसभा को बर्बाद कर दिया है। पार्लियामेंट में घोषी की कुर्सी खाली है, उस पर बैठने वाला चाहिए और हमारे समस्याओं को समाधान दिलाने वाला नेता पैदा हो। हमारी धरती नेतृत्वहीन कर दी गई है राजनीतिक दलों के द्वारा। बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष हमारे लोगों को बनाया जाता है, लेकिन सांसद बाहरी लोग बनते हैं। तो इन बाहरी लोगों का बहिष्कार किया जा रहा है और जनता क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद को प्यार कर रही है। इस बार जनता के मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा जाए, घोषी का घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है और उस घोषणा पत्र के आधार पर आने वाले समय में 5 साल तक सांसद जो कार्य करेंगे उसकी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी और उसी आधार पर हमारे इलाके के विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है। कल्पनाथ राय जी की दुर्भाग्यपूर्ण मौत जो 1999 में हो गई थी, उनके मौत के बाद 24 सालों में 24 चीजें बर्बाद हो गई हमारी। उन मुद्दों को हमने दृष्टिगत करते हुए एक पर्चा तैयार किया है। इस पर्चे पर लोकसभा व्यापी चर्चा कराई जा रही है और इसके लिए हमने श्रद्धेय कल्पना प्राय संकल्प रथ का डिजाइन किया है, जिसमें उनका सपना जो रहा कि इस लोकसभा क्षेत्र को सिंगापुर बनाया जाएगा, विकास की बुलंदियों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन उनके मृत्यु के बाद उनके पूर्ववर्ती उनके अपवर्ती सांसदों ने कोई विकास कार्य नहीं किया। आज हमारा इलाका जो वर्ल्ड क्लास लोकसभा क्षेत्र में गिना जाता था, आज विनाश के कगार पर खड़ा है। देखा जा रहा है कि एक रथ यात्रा आप साथ लेकर चल रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है जनता का? जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हर जाति धर्म के लोग हमसे जुड़ रहे हैं। रसड़ा में आज हम लोग हैं, रसड़ा की कई समस्याएं हैं। 2500 सालों से चीनी मिल बहुत विगत कई वर्षों से बंद है, काटन मिल बंद है, यहाँ बहुत सी ऐसी मूल सुविधाएं हैं अभी भी नहीं मिल सकी है, उसको लेकर आपका क्या एजेंडा है? जी, इसीलिए लोगों से उनका विचार लिया जा रहा है। उनके दिए गए सुझावों और विचारों से हम लोग घोषी लोकसभा का घोषणा पत्र तैयार करेंगे, जिसमें सभी जाति धर्म के सहयोग से घोषी लोकसभा का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। रसराज में हमारे पास ढेर सारी समस्याएं देखने को मिली थी, जैसे कि रसराज नगर में अभी भी जल जमाव की समस्या है। इस समस्या पर हमारा सांसद क्या कर रहा है? हमारे लोग इस बात को सोचे, इसलिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आप अपने पार्टी से भी किसी को टिकट देंगे क्या? सर, हमने एक मंच बनाया है, घोषी नवनिर्माण मंच। ये जनता का मंच है, जनता अपने विचार रख सके,
हमारे यहाँ तो विपक्ष भी मर चुका है क्योंकि हमारे लोगों को सांसद बनना नहीं है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है बहुत बहुत सेवा के लिए वो आगे आ नहीं रहे हैं। अगर हमारे लोगों को सांसद बनना होता तो जनता की सेवा करते, जनमत हासिल करते, लोकप्रियता हासिल करते। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्याओं को लेकर आप फील्ड में निकले हैं, तो क्या किसी पार्टी को समर्थन देंगे या अकेले ही लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, हमारा मंच जनता का मंच है। पार्टियों ने अगर हमारे अधिकार दे दिए होते तो हमें मंच बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अतः यह मंच जनता से जनमत संग्रह हासिल करने के बाद जनता के दिए गए सुझावों के आधार पर आगामी चुनाव में नव परिवर्तन की कहानी लिखेगा। बलिया में तमाम मंत्री भी बने, तमाम मंत्री बनते रहे, आज भी कुछ मंत्री हैं, लेकिन आज भी बदहाली की स्थिति में चीनी मिल और कॉटन मिल है, तो इसको लेकर क्या आप मेन मोटो तैयार किए हैं, किस तरह उसको चालू करना चाहिए? देखिए सर, कल्पना शाह जी योग्य कर्मठ और जुझारू नेता थे। वैसे नेता को पैदा किया जाए जो पार्लियामेंट में हमारी आवाज को बुलंद कर सके, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का जानकार हो और जनता से जुड़ा हो, जनता से सरोकार रखता हो, जनता के सुख दुख में शामिल हो सकता हो। जब काटन मिये आपकी बंद है, इसकी आवाज पार्लियामेंट में जब उठाई जाएगी तब में उसका समाधान मिलेगा। तमाम मंत्री विधायक आए और चुनाव के समय वादा किया कि हमारी सरकार में चालू हो जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं चालू है। इसी वजह से जनता का मंच बनाया गया है कि जो आपकी बंद काटन मिये जूट मिलों की आवाज उठा सके, गरीब नवाज रसड़ा में रुके इसकी बात मांग कर सके, पवन एक्सप्रेस भी रसड़ा में रुके इसकी भी मांग कर सके, पार्लियामेंट में हमारी आवाज बुलंद हो, इसके लिए आंदोलन चलाया जा रहा है और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का अवेयर व्यक्ति हमारे लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व करे। अतः इसमें सबकी भागीदारी और सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा रही है।